हेलो एवरीवन, फिर से एक बार स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। तो यार ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है जो यहाँ पे एडमिशन अभी लेने वाले हो। तो कब तक आपको वेट करना है, क्या करना है आगे आपको, वो सभी कुछ इसमें डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखना, बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है आपके लिए। तो कट ऑफ का अभी कुछ अता पता नहीं है कि कब निकलेगी कब नहीं, लेकिन एक्सपेक्टेशन ये है कि 2 या 3 दिन में, यानी कि मंडे से अगर हम बात करें सीधे सीधे मंडे तक आ जानी चाहिए कट ऑफ, अगर सब कुछ सही रहता है तो। लेकिन लेट भी लेट हो रहा है तो इसलिए विश्वास भी नहीं होता कि 2 दिन बाद भी निकलेगी या नहीं निकलेगी। और ऊपर से आपने ये भी सुना होगा कि अभी जो कट ऑफ रिलीज़ हुई है, यानी कि जो स्कोर कार्ड रिलीज़ किया है CUET ने, अब यूनिवर्सिटी वाले ये पूछ रहे हैं NTA से कि यहाँ पर क्या NCC जो होता है, NCC के मार्क्स यहाँ पर ऐड हुए हैं या नहीं। तो इतना बड़ा कन्फ्यूज़न अभी तक आपने क्यों पाला, अभी तक आपके माइंड में ये चीज़ें नहीं आई कि NCC का यहाँ पे नंबर ऐड हुआ है या नहीं। तो ये चीज़ें पहले आपको ध्यान देनी चाहिए थी। तो ये किसकी गलती है किसकी नहीं, लेकिन टाइम तो आपका बर्बाद हो रहा है। जिनको यहाँ पे एडमिशन लेना है सीधे उनके ऊपर इसका इफेक्ट पड़ रहा है। और कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होंगे यहाँ पर जिनको जिनका नंबर ऐसा होगा, ना तो बहुत कम होगा ना तो बहुत ज़्यादा होगा, तो वो इस डाउट में है कि हमारा यहाँ पर एडमिशन होगा या नहीं, वेट करें या फिर कहीं और एडमिशन ले लें। कुछ लोग ऐसे भी बहुत से लोग होंगे, मतलब उनका नंबर ऐसा होगा जैसे 500 से 600 के बीच, 530, 535, इस तरीके के नंबर जिनके भी होंगे, ठीक है। तो उनको तो ये डाउट लगा है कि एडमिशन शायद हो जाए, लेकिन एक तरफ डर भी लग रहा है कि एडमिशन अगर ना हुआ तो। देखिए यहाँ पर ऑलमोस्ट एंड होने वाला है, इस साल का 2 महीने बचे हैं, और जो प्राइवेट कॉलेजेस भी हमारे होते हैं, प्राइवेट कॉलेजेस में भी ऑलमोस्ट नवम्बर तक सभी एडमिशन एंड हो जाते हैं। नवंबर के बाद आई थिंक यहाँ पे भी एडमिशन आपको नहीं मिलेगा। तो एक बहुत ही बड़ा आपके साथ क्या कहें कि देखिए, अगर आपका एडमिशन AU में ना हुआ और टाइम भी बीत गया तो यहाँ पे भी आपका एडमिशन नहीं होगा और यहाँ पे भी आपका एडमिशन नहीं होगा। तो सीधे सीधे एक साल पूरा आपका बर्बाद होगा। किसकी वजह से? यूनिवर्सिटी ऑफ अलाहाबाद और NTA की वजह से, ठीक है। और देखिए जिनके नंबर कम हैं, जिनको लग रहा है कि उनका एडमिशन यहाँ पे नहीं होगा, वो एक काम कर लो, मेरी सलाह मानो तो अभी एडमिशन, देखिए आपके अगल बगल जो भी प्राइवेट कॉलेजेस हों वहाँ पे आप जाके एक बार पता कर लो कि एडमिशन यहाँ पे कब तक होंगे, ताकि आपको एक आइडिया रहे कि प्राइवेट में जो एडमिशन हो रहे हैं कब तक यहाँ पर एडमिशन होगा, ताकि अगर इनकेस और लेट यहाँ पर होता है और आपके नंबर कम है तो आप इजीली जाके, अगर आपको एक साल अपना बर्बाद नहीं करना है तो आप इजीली जाके प्राइवेट में अपना एडमिशन ले सको। जिनके ज़्यादा नंबर है उनका तो एडमिशन होगा आज नहीं तो कल, जब भी कट ऑफ निकलेगी। लेकिन प्रॉब्लम उनके लिए है जिनका नंबर कम है और वो भी वेट कर रहे हो। तो वेट मत करो, अगर आपका कम नंबर है तो यहाँ पर आप जाके पता कर लो जो भी आपके अगल बगल में कॉलेजेस हैं प्राइवेट, तो उससे देखिए आपका होगा क्या। यहाँ पर आपको एक डेट पता चल जाएगी, इतने डेट तक आपको वेट करना है, इसके बाद यहाँ पे भी एडमिशन नहीं मिलेगा। तो देखिए आप यहाँ पे एडमिशन ले लो, TC मत जमा करना। अगर आपका यहाँ पे एडमिशन होगा यूनिवर्सिटी ऑफ अलाहाबाद में तो ईज़िली वहाँ से अपना नाम कटा के TC जब आपके पास रहेगी ऑलरेडी, अगर आप जमा नहीं करोगे तो आप वहाँ से नाम आपका कट जाएगा। जहाँ अगर आप यहाँ पर TC जमा कर दोगे तो आपका ईज़िली यहाँ पर एडमिशन हो जाएगा। और अगर यहाँ पर NCC के नंबर नहीं जुड़े होंगे तो कट ऑफ में थोड़ा चेंजमेंट हो जाएगी। NCC को लगभग 5% का एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल जाता है जिनके पास NCC का सर्टिफिकेट रहता है। तो अभी हमको 2-3 दिन का और वेट करना होगा कि जो भी चीज़ें होंगी तब ज़्यादा क्लियर नज़र आएंगी क्या होगा। 2 दिन बाद जहाँ तक है कट ऑफ आ जानी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए आज लगभग 5 नवंबर हो चुकी है, ठीक है। 5 नवंबर अगर आप कितना भी जल्दी यहाँ पर एडमिशन कराओगे तो जहाँ तक मुझे लग रहा है 1.5 से 2 महीने आपको एडमिशन कराने में लग जाएंगे। पहले मेन कैंपस में होगा, उसके बाद अदर एफिलिएटेड कॉलेजेस में भी होगा। तो यहाँ पे कितना भी फास्ट कराओगे 1 से 1.5 महीने तो आपका लग ही जाएगा एडमिशन में। तो लगभग ये साल तो लगभग ऐसे ही चला गया। तो 2023 के बाद देखिए तो यहाँ पे छुट्टियाँ भी लगभग हो ही जाती हैं, इतने फेस्टिव्स पड़ेंगे जहाँ पर आपको छुट्टियाँ मिल ही जाएंगी। 2 महीने में कितना सिलेबस आप कवर कराओगे और कब आप एग्ज़ाम लोगे? अगर आप लेट में एग्ज़ाम करोगे फिर सेशन लेट होगा आपकी बार की तरह। तो अगर आपके नंबर कम है तो आप एक बार जो मैंने अभी कहा उस पर आप लोग एक बार सोचिएगा। बाकी जो भी होगा जैसे भी होगा यहाँ से आपको लगातार अपडेट दी जा रही है, तो
तो चैनल को अभी तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को यार सब्सक्राइब करो, और टेलीग्राम का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लो।